हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, आप हम इसमें पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। और आज जैसे कि 3 दिसंबर है तो हम पढ़ेंगे 2 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, ओयो ने किया SY के साथ ओयो और SBI। ओयो ने SBI के पूर्व प्रमुख कौन रणनीति पूर्व प्रमुख रणनीतिक पूर्व प्रमुख रणनीतिक समूह सलाहकार मतलब SBI के जो पूर्व रणनीतिक समूह सलाहकार थे, कौन थे? समूह सलाहकार जिनका नाम क्या है, रजनीश कुमार। ऐसे के पूर्व सलाहकार थे रजनीश कुमार। ये सेवानिवृत्त हो गए थे तो इनको ओयो ने अपने अंदर इनके साथ सलाहकार नियुक्त किया। कहाँ पे किया? ओयो में। ये थे पूर्व रणनीतिज्ञ समूह सलाहकार, किसके? SBI के। कौन थे? रजनीश कुमार, जिसको ओयो ने अब अपना सामूहिक सलाहकार रजनीश कुमार को नियुक्त कर दिया। ठीक है, अभी दादा भाई नौरोजी ने की जीवनी पर, इसकी दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी की जीवन परिचय को एक जन ने, किसने? कमला देवी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने दादा भाई नौरोजी की जीवन परिचय को क्या करके, इसके जीवन के जीवन परिचय को इन्होंने इनके जीवन परिचय को 6 पत्रिकाओं के संबोधन से इन्होंने एक पत्रिका बनाई। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका बना दी, जिस और ये पत्रिका NIF किसके द्वारा, NIF पुस्तक पुरस्कार जीत गई। और ये NIF का पुस्तक पुरस्कार 2021 का ये पत्रिका ने जीत लिया। और इस पत्रिका का क्या नाम था? नौरोजी। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म को 6 शॉर्ट पुस्तकों से एक पत्रिका बनाई इन्होंने, किसने? मतलब कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, उनके दादा भाई नौरोजी की जीवन परिचय के ऊपर ये 6 पत्रिकाएं थी, एक पुस्तक बनाई, जिसको NIF ने पुस्तक पुरस्कार विजेता घोषित कर दिया। ठीक है, और हाँ, इसका पुरस्कार का इनाम कितना था? 15 लाख रुपए, मतलब इस पुस्तक विजेता को 15 लाख रुपए और एक प्रेषित पत्र दिया गया। किनको दिया? कमला देवी को दिया गया। और ये एक 15 लाख रुपए एक प्रेषित पत्र दिया गया कि भैया आपके नाम हो गई है। अभी विश्वविद्यालय के कुरुक्षेत्र के
कुरुक्षेत्र के चार वैज्ञानिकों कुरुक्षेत्र के चार चार वैज्ञानिक जिनकी उम्र 45 साल से नीचे है, 45 साल से नीचे, जिनकी उम्र 45 साल से नीचे, उनको क्या बोलते हैं? विश्व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, मतलब कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा, कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा इन चार वैज्ञानिकों को एक पुरस्कार दिया जा रहा है। और जिस पुरस्कार कौन से? राजीव गोयल पुरस्कार, गोयल पुरस्कार 2021 का दिया जा रहा है। इन वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं? नंबर एक रजनीश मिश्रा, आई आई टी इंदौर। नंबर दूसरा, और दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? के एम सुरेन। के एम है ये, और ये कहाँ से है? आई आई एस ई आर, त्रिपुरम, तिरुवनंतपुरम। ये सब अलग अलग वैज्ञानिक हैं और इनकी उम्र 45 साल से नीचे है। और तीसरे कौन है? राजीव वैसराव। कहाँ से हैं? आई सी आर आई सी ए टी, हैदराबाद, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और चौथा कौन है? सुमन चक्रवर्ती। ये कहे से? आई आई टी खड़गपुर। ठीक है, तो ये चारों मेल हैं। ठीक है, और इनको और ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार की शुरुआत किसने की थी? इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 के एक एनआरआई गोयल, रुक जा पूरा नाम लिखते हैं, एनआरआई राम एस गोयल, एनआरआई राम एस गोयल के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ये कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय द्वारा चार वैज्ञानिकों को दिया जा रहा है जिनकी उम्र 45 साल से कम है। इनके क्रमानुसार आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्ज़ाम, SSB SS CHSL, मतलब किसी भी, करेंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अभी जनरल अटलांटिक, एक जनरल है, इनका नाम है अटलांटिक जनरल। क्या नाम है जनरल का? अटलांटिक। जिनका नाम है अटलांटिक को SBI के जनरल को क्या? SBI के मास्टर कार्ड CEO अजय बिगवान को बनाया गया वाइस चेयरमैन। मतलब जनरल अटलांटिक ने SBI के पूर्व मास्टर कार्ड, मतलब इनकी कार इनकी CEO कौन है? अजय अजय विंग अजय विंग जनरल अटलांटिक ने SBI के पूर्व मास्टर का CEO को बनाया, अजय वेंगान को बनाया अपना वाइस चेयरमैन। मतलब क्या बनाया? वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। किनको किया गया? इनको नियुक्त किया गया, इन्होंने अपना वाइस चेयरमैन। और ये कौन थे? ये थे पूर्व
मास्टर कार्ड CEO SBI के पूर्व CEO थे अजय बेगान, जिनको जनरल अटलांटिक ने वाइस चेयरमैन के तौर पर चुना गया और इन्होंने अपने पास बुला लिया, ठीक है। और ये कब सेवानिवृत्त हुए थे, ये इस पद से कब हुए थे, 30 नवंबर 2021, मतलब अभी इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी ही ये सेवानिवृत्त हुए थे। और ये अपना कारोबार कब संभालेंगे, वाइस चेयरमैन का ये कारोबार कब संभालेंगे, वाइस चेयरमैन का कारोबार संभालेंगे 1 जनवरी 2022 को ये अपना कारोबार संभालेंगे, ठीक है। किसका, वाइस चेयरमैन का अपना कारोबार संभालेंगे ये। अभी भारत सरकार द्वारा एक सोलर पैनल की, भारत सरकार द्वारा सौर परियोजना में भारत सरकार ने सौर परियोजना स्टार्ट करी है, जिसको भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना है, मतलब ये भारत की सबसे सौर बैटरी परियोजना है। कौन सी, सौर बैटरी, सौर बैटरी के ऊपर आधारित सबसे बड़ी परियोजना। इस परियोजना को किसको दिया गया, सबसे बड़ी है, मतलब अभी भारत की सबसे बड़ी है, और इसको इसको टाटा टाटा ग्रुप ने इसको हथिया लिया, मतलब हथिया के लिए, मतलब इन्होंने इस चीज़ का बोले लिया कि भैया हम करेंगे तुम्हारा सबसे ज़्यादा। और ये पूर्व, और मतलब ये टाटा द्वारा ये पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम को, और टाटा की पूर्व, मतलब 100% पूर्व 100%, मतलब पूरी तरह से स्वामित्व वाली कंपनी क्या है, सहायक कंपनी कौन सी है, सहायक कंपनी क्या नाम है जिसका, जिसका नाम है सोलर, नहीं नहीं जिसका नाम जी नहीं, जिसका नाम क्या है, टाटा पावर सोलर सिस्टम, टाटा पावर सोलर, टाटा पावर सोलर सिस्टम को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर सोलर कॉरपोरेशन, इसका नाम है सोलर कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया, सोलर कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ अवार्ड, किससे, लेटर ऑफ अवार्ड LOC, लेटर ऑफ अवार्ड, लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इस लेटर ऑफ अवार्ड को क्या कहते हैं, LOC, इस LOC से सम्मानित किया गया टाटा की पूर्व 100% मतलब स्वामित्व, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर वाली कंपनी, सहायक कंपनी के, इसका नाम क्या है, टाटा पावर सोलर सिस्टम, ठीक है, जिसको सोलर कॉरपोरेशन, सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर कॉरपोरेशन, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेटर ऑफ अवार्ड 2021 के तहत इस अवार्ड दिया गया, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी न्यूट्रल स्केल BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्टेप अप सिस्टम परियोजना है, मतलब इस परियोजना में क्या क्या है, और भी इसमें बहुत चीज़ें आगे हैं, एक मिनट, इसमें BESS बैटरी एनर्जी स्टेप अप स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टेप अप स्टोरेज परियोजना है, परियोजना है इसमें, इस परियोजना में, इस परियोजना में 100 मेगावाट की ईपीसी सौर परियोजना का निर्माण होगा, मतलब बीई का क्या नाम है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना में 100 मेगावाट ईपीसी का एनर्जी पावर कैपेसिटी का, मतलब इसमें वो होगा, निर्माण होगा। और इसकी लागत कितनी है, इसकी मतलब बनेगा तो इसकी लागत कितनी, इसकी लागत है 945 करोड़ रुपए, ठीक है, 945 करोड़ रुपए है। और ये कितने महीने में तैयार होगी, सरकार ने इसको वो दे दिए कि भैया इतने महीने में तैयार करके देना, नहीं तो इसके ऊपर पेनल्टी होगी, इसको 18 मंथ
इसको 18 मंथ में तैयार करके देना है सरकार को, ठीक है। किसको देना है? टाटा कंपनी को देना है, टाटा कंपनी की सहायक कंपनी को देना है, जिसका नाम क्या है? सौर सोलर सिस्टम। और जिसको क्या मिला है? जिसको मिला है एक अभी BECE, ठीक है, योजना के तहत है ये। अभी राजस्थान में एक बहुत बड़ी वो हुई है, राजस्थान में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है, ठीक है, जिसमें राजस्थान ने 69,000 करोड़ में 125 समझौते किए, ठीक है। और समझौते में क्या क्या है, ठीक है, इसमें 68,698 करोड़ रुपए किस पे? समझौता ज्ञापन, ठीक है। और 10,099 करोड़ रुपए से अधिक आशय पत्र, ठीक है। इतने इतने पैसे समझौते पे खर्च हुए, समझौता ज्ञापन पे हुए 68,698 करोड़ रुपए समझौता ज्ञापन पे हुए, और दस हज़ार से अधिक आशय पत्र पे खर्च हुए। और जे 68,698 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ लगेंगे? इसमें से 78,700 रुपए निवेश प्रतिबाधित बाध्यताएँ पे खर्च होंगे, ठीक है। और जिसमें अधिकांश किस पे होंगे? रिन्यू पावर सीमेंट निर्माता, जिसका सीमेंट निर्माता कौन है? इसमें सीमेंट निर्माता इसमें JK लक्ष्मी। सीमेंट निर्माता कौन है? JK लक्ष्मी। राज्यभर में इसके उद्योग के लिए, राज्यभर में और भी जहाँ पे जगह जगह राज्यभर में कहाँ, गहलोत, जयपुर, नीमराना एक्सेट्रा, इन इन जगह पर इनके 78,700, मतलब ये हर बंदे को एक बंद लगभग इतने करोड़ हैं ये, ठीक है। निवेश में प्रतिभाधा रिन्यूएबल पावर और सीमेंट निर्माता JK लक्ष्मी और राजभर में इन इन जगह पे एक्सेट्रा जगह पे ये खर्च होगा। इसमें 125 समझौते हुए, 68 करोड़ का ज्ञापन समझौता हुआ, 10,000 करोड़ से ऊपर के आश्रय पत्र पे समझौता हुआ, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो ने एक फिलहाल में एक युवा कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने किया? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो ने एक युवाओं के लिए युवा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और युवा कार्यक्रम का नाम क्या है? एयरनेट कार्यक्रम लॉन्च किया है। और ये कितने दिन तक चलेगा? ये चलेगा 52 हफ्तों तक, बावन सप्ताह तक ये, और ये चलेगा, ये सभी जगह पूरी इंडिया में जो जो जगह है उनकी लोकल भाषा में चलेगा। मतलब आप इंडिया का जैसे उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड की भाषा में चलेगा, और जैसे आप तमिलनाडु में रहते हो तो तमिलनाडु में जो भी भाषा चलेगी उस पर चलेगा। ये कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ 28 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। भारत को एक दिसंबर रखना, इसको मिटा दें।
भारत को 1 दिसंबर को ट्राइका में शामिल किया गया। भारत को 1 दिसंबर को ट्राइका में शामिल किया गया। ट्राइका क्या है जी? G20, अरे G23 हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। इसमें भी 20 देश थे जिसमें ट्राइका नाम से भारत को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें देश है इंडोनेशिया, इसमें है इंडोनेशिया, इटली, इंडोनेशिया, इटली और भारत, ठीक है। इसमें ये 3 देश शामिल हुए हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ ने अभी फिलहाल में क्या किया? यूरोपीय संघ पहले इसको समझ लेते हैं। भारत को 1 दिसंबर को 2021 को पहले G20 चलता था, अब G23 हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 देशों को और जोड़ा गया। इन 3 देशों को अभी फिलहाल में जोड़ा नहीं गया, इनको सिर्फ रखा गया, इनको ट्राइका के तहत रखा गया, जिसमें इंडोनेशिया, ठीक है, इटली और भारत हैं। बाद में आगे चल के अगर जैसे इन लोगों को शामिल कर लेगा, जब भारत महाराष्ट्र इंडोनेशिया और इटली को शामिल कर लेगा तो G23 कहलाएगा, ठीक है। ये G23 कहलाएगा, फिर इसका नाम ट्राइका नहीं होगा। ट्राइका के तहत इन तीनों को शामिल किया गया, मतलब इसको रखा नहीं गया कि हाँ भाई परमानेंट है। यूरोपीय संघ ने 300 बिलियन, अरे सॉरी यार, 300 अरब बोल लो या बिलियन बोल लो, 300 अरब यूरोपीय मतलब डॉलर, कौन से यूरोपीय डॉलर, 300 अरब यूरोपीय डॉलर, डॉलर जिसको अमेरिका में अमेरिकी उसमें कहेंगे 340 बिलियन डॉलर, 340 बिलियन डॉलर की एक परियोजना का इन्होंने शुभारंभ किया। किसका? की एक परियोजना का प्रोजेक्ट का शुभारंभ, परियोजना शुरू की। इस परियोजना ये किसके ये परियोजना जब भैया की तो ये परियोजना किसके उस पे है? ये परियोजना है चीन की बेल्ट एंड रोड, चीन की बेल्ट एंड रोड के ऊपर आधारित। और ये चीन की बेल्ट एंड रोड क्या है? ये इसकी हुई थी 2013 से, मतलब ये इनके यहाँ रोड है कि बेल्ट एंड रोड, मतलब पूरी चीन को ये जोड़ती है। इसी परियोजना के यूरोप ने भी ऐसा किया कि मतलब हमारे यहाँ भी ऐसी परियोजना पे खर्च होने चाहिए और इसमें बनने चाहिए, ठीक है। और 2 दिसंबर को क्या क्या मनाया गया, ठीक है, ये सब तो हो गया। 2 दिसंबर को 3 चीज़ें मनाई गई। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस था, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस था। और ये राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस क्यों ना, ये भोपाल में जो कांड हुआ था, भोपाल में कांड हुआ था, ठीक है, किस गैस से? मिथाइल आइसो साइनाइड, मिथाइल आइसो साइनाइड हुआ था। इससे बहुत लोगों की 2 या 3 दिसंबर को बहुत लोगों की जान चली गई थी। इसलिए इसको राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस घोषित किया गया, ठीक है। और इसी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय क्या बना गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुमूलनता दिवस, ठीक है। और एक और दिवस सुना है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। ये दिवस इम्पोर्टेंट, ये कब मनाया गया? 2 दिसंबर को ये मनाया, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया गया, जिसमें भोपाल में कांड हुआ था, जिसमें मिसाइल आइसो साइनेट वातावरण में फैल गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। और रात को 2 से
2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह को इसमें बहुत सारे लोगों ने इसके उसमें मर गए थे, मतलब बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए थे, जहाँ जो था वहीं पे सोता रह गया था, मतलब मर गया था, सो रहा था, अब आदमी रात को सो गई तो इस रात को मतलब मर गया था। और इसी में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रमुलता दिवस मनाया गया इसी तरफ को 2 दिसंबर को, ठीक है। इसी दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस था। थैंक यू फ्रेंड्स।